गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस अभी हम लोग थोड़ी देर में निकलने वाले हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:40। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं अलीगढ़ से आगरा के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा, तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं होटल में खाने के बाद। अभी हम लोग जाएंगे ताजमहल, तो गाइस चलो चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होटल। अभी हम लोग ने खा लिया है, लंच खा लिया है। अभी हम लोग अभी होटल में बैठ के हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल। अभी हम लोग निकल रहे हैं ताजमहल, तो गाइस चलो चलते हैं। यहाँ पे हम ताजमहल पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक व्हाइट कलर का कवर दे रहे हैं जो पैरों में लगाने के लिए होता है। लोग देख सकते हैं मोर। तो गाइस देखिए यहाँ पे ताजमहल के अंदर मोर घूम रहा है। पहुंच चुके हैं ताजमहल में। आप लोग देख सकते हैं बहुत जोर से धूप हो रही है। 50 का राइट, जो फुल मून होता है पुण्य व्रत चांदी रात, उसका टिकट 1% 510 का होता है। जो मेन स्टोन जो रेड कोरल भी देखना फ्लोवर, ये स्टोन शाइन करता है, चमकता है चांदी रात में अलग। रूम है ये, टोटल 210 रूम्स हैं। ये लेबर रूम है, जो 20,000 जो लेबर ताजमहल के अंदर काम करते हैं डे एंड नाइट, वो यहाँ वर्क कर रहे थे। तो बाकी मैं आपको अंदर में एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। यहाँ से आइए, यहाँ से एक फोटो लेते हैं। ये है ताजमहल की एंट्री, ये देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग। ये यहाँ से है एंट्री और वो देखिए सामने ताजमहल, आपको दिख नहीं दिख रहा होगा। ये मुगल टाइम में गोल्ड यानी कि सोने का था, जो ब्रिटिश आए वो ये द्रास कला हुई। और ये चारों साइड देख रहे हैं, 1, 2, 3 and 4 चारों के रास्ते ऊपर जाने के। और ये अभी बंद है, जो अभी गवर्नमेंट ने अपनी यूज ले लिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे दुनिया ने ऐसे छू के देखेंगे। ये कोई कलर्स नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, अरे यानी कोई कलर्स नहीं है, कोई पेंट नहीं है, ये सब पत्थर है। जो अपने फतेहपुर सीकरी से आया था 45 किलोमीटर, जो वाइट मार्बल है अपना 350 किलोमीटर राजस्थान मकराना, एंड द ब्लैक ऑनिक्स फ्रॉम बेल्जियम। जो वाइट मार्बल के अंदर रेड मार्बल के अंदर कटिंग करके सारे स्टोन को फिक्स करेंगे, ये बाय हैंड होगी। कौन सी कौन सी है ये? इंडियन ये फर्स्ट, ये आपका राजस्थान मकराना से ये रेड स्टोन सैनी स्टोन बोलते हैं, 45 किलोमीटर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर से ब्लैक ऑनिक्स फ्रॉम बेल्जियम, बेल्जियम से। और जो कि अलग अलग कंट्रीज है ना, ये देखो रेड वाला, ग्रीन वाला, येलो वाला, ये यमन से आया ग्रीन वाला, और ये ग्रीन येलो वाला अफगानिस्तान से आया था और साउथ अफ्रीका से आया था, जो कि अलग अलग कंट्रीज आए थे। व्हाइट मार्बल के अंदर कटिंग करके फिक्स करेंगे, इन्हीं स्टोन पे वर्क होता है। आइए देख सकते हैं ताजमहल इतना सुंदर है यार, ओह माय गॉड। बिल्डिंग में डैमेज ना करे, गिरे तो बाहर की तरफ जाके गिरे, बीच में नहीं। ये चारों के चारों ही मीनार है मैम, हल्का तो झुका हुआ बाहर के साइड। इसके जो मैन जो आर्किटेक्ट है इज़ वेरी इंटेलिजेंट, उनका नाम था मोहम्मद ईसा उस्ताद सिंधो, जो फ्रॉम तुर्की से थे, जिन्होंने पूरा ताजमहल का डिज़ाइन किया था। कभी भी आगरा में भूकंप आता है ना, तो मुमताज़ की समाधि को बिल्कुल सेफ है। इनका समाधि यहाँ पे है? हाँ, मुमताज़ का समाधि है, मुमताज़ का भी समाधि है और शाहजहाँ का भी समाधि है। पहले मुमताज़ का था, मुमताज़ के मरने के बाद ही ताजमहल बनाया था उनकी याद में। तो ऐसे ये डोम जो देख रहे हैं, बिग डोम, डोम को बहुत टॉप पे देख रहे हैं, मेटल का ब्रास टेक्निकल का ब्लैक कलर का जो देख रहे हैं। ये आपको कितने फीट का लगता है हाइट ओनली ब्रास मेटल वाला? कितना लगता है आप बताइए? टोंगी सैम जनरेशन चले, टोंगी सैम फैमिली के लोग आज भी यही वर्क करते हैं। तो हिस्ट्री में लिखा ना हाथ काट दिए गए थे, एक मुहावरा है। ऐसा लिखा मतलब दूसरा ताजमहल और नहीं बना पाया। हाँ, तो लिखा हाँ, तो हिस्ट्री में लिखा ना हाथ काट दिए गए थे, एक मुहावरा है। मतलब शाहजहाँ ने उन्हें इतना सारा पैसा दे दिया तो कहीं काम करने की जरूरत नहीं पड़े, तो ओनली उनके काम के हाथ काटे गए थे, ना कि रियल है। 20,000 कारीगर बहुत होते हैं शाहजहाँ, इतना रहम दिल था, कठोर नहीं था, 20,000 लोगों हाथ काट दिया। तो 20,000 लोगों को उनके काम के हाथ काट दिए थे, क्योंकि उनको जब काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तो उनको क्या होगा, तो इसलिए उनके काम के हाथ काटे गए, ना कि रियल है। तो इसी तरह से हिस्ट्री में एक मुहावरा है ना, उनके बनवाने वालों के हाथ काट दिए गए थे, तो यानी काम के हाथ काटे गए थे। मतलब किसी को आप इतना सारा पैसा दे देगा तो कहीं काम करने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो उनके काम के हाथ काट दिए गए थे, ना कि रियल है। ये अगर टिकट है टू पूर्णा कुल का, जब शाहजहाँ का डेट एंड वेस्ट है, देखते हम लोग आइए। जैसे मनी वेस्ट है, फुल मून से ही चमकेगा और
ये असली वाला कवर है शाहजहां मुमताज का। अरे मैं दे दूँ आपको, शेयर कर दूंगा दूंगा। कवर है शाहजहां मुमताज का और ये अंदर में है, अंदर में छोटा वाला मुमताज का, बड़ा वाला शाहजहां। ये बड़ा, ये तो छोटा लग रहा है। नहीं मतलब ये छोटा वाला मुमताज, बड़ा वाला शाहजहां का। ये इस तरह हाथ आ रहा ना मेरा, इसलिए बोल रहा हूँ। तो ऐसे ये बड़ा वाला शाहजहां का, छोटे वाला मुमताज का, ये नकली वाला है। ये आप जाओगे नकली वाला ये राउंड ला के एक जगह, और इसकी नकासी वगैरह ना जैसे ये दूर से नकासी देख रहे हैं, ऐसे पास से देखेंगे वो आपको छूने नहीं देंगे ना, फोटो लेने देंगे वो एक जगह के बाहर। अभी 31 मध्य प्रदेश सिटी है बुरहानपुर। जब बुरहानपुर में जब बेहतर उनकी मुमताज जब प्रेगनेंट थी, तो उनके मुमताज प्रेगनेंट थी उनकी 14 की, यानी कि 14 बच्चों को डिलीवरी देते हैं, उनकी डेथ हुई। डेड बॉडी को ला के एक बॉक्स है यूडीजी गार्डन के अंदर, यहाँ पर 6 महीने मुमताज की डेड बॉडी को रखा गया था मम्मी द्वारा बना था। 6 महीने रखा था मम्मी सिस्टम जॉली बूट में था, तो उनकी डेड बॉडी को लेकर शिफ्ट कर दिया था, उसके ऊपर ताजमहल बना देता था। इसलिए सिंबल ऑफ लव है ये, मतलब इतना मोहब्बत करते थे कि मुमताज के मरने के बाद ये ताजमहल बनाया। मुमताज ने उनका 3 वाइफ था, जो फर्स्ट वाइफ था फतेहपुरी बेगम, सेकंड वाइफ था सरहिंदी बेगम, और थर्ड वाइफ था मुमताज। जो फर्स्ट और सेकंड वाइफ था वो इंडियन वाइफ था, अरेंज मैरिज था, उनसे कोई बच्चे नहीं थे। जो थर्ड वाइफ था मुमताज, मुमताज फ्रॉम पर्शियन ईरान, मुमताज लव मैरिज था, इनसे 14 किड्स थे, 14 बच्चे थे। और थर्ड क्या बोले, ये हैंडमेड सब? हाँ, थर्ड यानी कि इसकी नकासी, इसकी कार्विंग, क्योंकि इस टाइम पे कोई मशीन थी नहीं, सारे हाथों की कारीगरी करा गया है, तो वही कारीगरी आज ही होती है। आउटसाइड छोटे छोटे पत्थर आते हैं मार्बल के गिफ्ट आइटम, वो लोग बनाते हैं रियल मार्बल के, जो आपको सेल करते हैं, जो पसंद आए आप ले सकते हैं। वेरी फेमस मार्बल, जो स्टोन चमकता है ना, उन्हीं स्टोन से गिफ्ट आइटम बनते हैं। और छोटे छोटे आपने देखा होगा शॉप जो वगैरह होंगी, जो 200-300 मार्बल बोलते हैं, वो मार्बल नहीं होता मैम, वो चौक और प्लास्टिक होता है। आप खुद सोचो 300-400 में कोई मार्बल आता है? नहीं आता है। वो सब चौक होता है। वो चौक क्या है, आपको बोलेगा 200-300 का बोलेगा, पर वो ले आते ले आते टूट जाएगा। और आपको किसी को देना हो लेना हो तो ओरिजिनल लीजिए। ओरिजिनल में क्या है, एक बार चीज़ लेगा अच्छी चीज आएगी, क्योंकि वो रियल मार्बल का होता है ना, वो अलग ही शाइन करता है। मतलब यानी कि दोनों देखा हुआ, मूनलाइट में चमकता है, ये देखो ऐसा चमकेगा, इससे मतलब घर में रहने से चमकेगा? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, जैसे कि ये जब उसकी लाइट मारोगे, उसके नीचे लाइट लगाओगे तो शाइन करेगा, और उसकी लाइट आगी ना ये बल्ब की लाइट तो शाइन करेगा। रियल मार्बल ऐसा होता है? नहीं नहीं, ये शाइन कैसे, ये लाइट से, ये मून, फुल मून की, मून होता है मून, मून में वाइट रोशनी होती है ना, तो पड़ती है तो ग्लोइंग करता है। जब ऐसे ही इसके अंदर LED लाइट लगाई तो ग्लोइंग कर रहा है, तो ऐसे जब फुल मून पड़ेगा तो ये भी ग्लोइंग कर रहा है। नहीं, अंदर में एक दीप है ना, अंदर में वो पहले था एक कैंडल लैंप, तो छोटा सा, हाँ हाँ, वो बंद कर दिया। अच्छा अच्छा, अरे मून लाइट, वो इन्हीं स्टोन में गिफ्ट आइटम आते हैं ना, तो जैसे ये गिफ्ट आइटम आता है, एक फ्लावर पॉट है, जो स्टोन्स बताते हैं ना शाइन करता है, ये देखिए वही लगे हुए हैं, स्टोन्स लगे हुए हैं, ये कैंडल लैम्प, सॉरी ये चेस है, बॉल है, ये सब होता है, ये चीकोसा सेट है, एलिफेंट है, सिंगल पीस में होंगे, ये सब रियल मार्बल होता है। आउटसाइड जो सेलिंग होता है ना, छोटे छोटे मार्बल शॉप जो होती होंगी, वो आपको चौक होती है, उसकी पहचान क्या होती है, जैसे एक कॉइन होता है, कॉइन को लेकर आप मार्बल को स्केच करोगे ना तो पाउडर आएगा, तो समझ लो फेक मार्बल है। अगर कॉइन को आपको स्केच करोगे तो मार्बल क्या स्केच होता नहीं है, वो रियल मार्बल, उसकी क्वालिटी जो होती है। आई गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं घर ताजमहल से, अभी रात हो चुकी है, अभी हम लोग डिनर करके आ चुके हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में इतना है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तब तक के लिए बाय।